बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर 11th क्लास बायोलॉजी के गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। स्टूडेंट्स, ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है जिनमें लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खां बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड और सरगोधा बोर्ड शामिल हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, फर्स्ट ईयर का। इस चैप्टर में बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो गिवन दिए हुए हैं। ये बेटा 11 शार्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 1 के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है पेपर के लिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करें तो बेटा सेकंड चैप्टर के अंदर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, उसके बाद ये 9 है। टोटल बेटा ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के 9 शार्ट क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बुक के। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स वाला। इसमें बेटा जो शार्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो 12 शार्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसी तरह ये बेटा 12, टोटल ये 12 शार्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 के, इनको अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट बेटा अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आना, इसलिए बेटा इसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन गिवन आपको नहीं दिया। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें सेल की, तो उसमें बेटा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, सिक्स वाला है, सेवन वाला, एट, नाइन, और उसके बाद ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। टोटल बेटा इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4 के 14 शार्ट क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के। नेक्स्ट अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, बेटा चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 5 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास जो शार्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, वो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इनको बेटा आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये फर्स्ट वाला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। तो उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, बेटा ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको बेटा आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, उसमें बेटा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ये बेटा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ये बेटा 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये बेटा चैप्टर नंबर 6 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो उसमें बेटा जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह सो ऑन, ये टोटल बेटा आपके पास जो है ये 23 शार्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के जिनको आपने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। नेक्स्ट बेटा अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना पेपर में, इसलिए यहाँ पर आपको गिवन नहीं दिया हुआ, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर नहीं करना। उसके बाद बेटा आगे चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 में जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन करने हैं वो बेटा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आगे ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, टू, थ्री, फोर, ये बेटा आपके पास टोटल 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 शार्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के जो आपने प्रिपेयर करने हैं पेपर के लिए। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा इस चैप्टर के जो है वो ये 7 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये चैप्टर बेटा थोड़ा लेंथी है प्रिपरेशन के हवाले से। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम अगले चैप्टर की, जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 9,
उसके बाद बेटा इस चैप्टर नंबर 9 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो हमारे पास 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह पेपर में बेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये आपके लिए, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। एक बात याद रखिएगा बेटा, पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो चेंज करके पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन चेंज आ गया, क्वेश्चन यही होता है लेकिन वर्डिंग थोड़ी चेंज होती है। तो चैप्टर नंबर 9 के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसके बेटा थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो बेटा आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। 9 वो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनको आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें बेटा आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, इसी तरह सो ऑन बेटा। ये सारे आपके इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। इनको बेटा आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इंशाल्लाह आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस चैप्टर में से बेटा कोई लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आना है, इसलिए आपने इसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, अगर उसकी बात करें तो बेटा उसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 शॉर्ट क्वेश्चन है जो बेटा आपने करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा 13 है, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर हम इनके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें इस चैप्टर के, तो हमारे पास इसके 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बेटा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4 इसी तरह सो ऑन, ये 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस चैप्टर के बेटा टोटल 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको आपने पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के जो आपने प्रिपेयर करने हैं पेपर के लिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है। इसमें बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इसी तरह सो ऑन, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 ये टोटल बेटा आपके पास 25 शॉर्ट क्वेश्चन है, 25 शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के जिनको आपने पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आना है, इसलिए आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसका प्रिपेयर नहीं करना। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 14 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 में बेटा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये 1st वाला है, ये 2nd है, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, उसके बाद ये 6th वाला है, 7th वाला है, 8th वाला, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th। टोटल बेटा 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो आपकी बुक का लास्ट वाला चैप्टर है। और इसके जो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा टोटल 7 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो आपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो बेटा ये थी आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक, जिसके हमने सारे चैप्टर्स के जो है चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी हमने डिस्कस कर लिए, जिन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना पेपर में वो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, जिनके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए। इसके अलावा बेटा बायोलॉजी की पेपर पेयरिंग स्कीम और MCQs के गेस्ट पेपर्स, वो भी बेटा मैं आपके साथ इसी चैनल पे वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, ताकि बेटा वो भी इस वीडियो को देख के पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।